हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। हम लोग ग्लैडुलस कल्टीवेशन डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर 8 में। लेक्चर 8 के पिछले दो पार्ट में, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में, हम लोग ग्लैडुलस का जनरल इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस और उसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही पार्ट टू में, लेक्चर 8 के पार्ट टू में, हम लोगों ने ग्लैडुलस का कल्टीवेशन प्रैक्टिस, कैसे ग्लैडुलस को प्रोपोगेट किया जाता है, कैसे कल्टीवेट किया जाता है और प्लांट कैसे किया जाता है, प्लांटिंग मेथड, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले दो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। इस लेक्चर में हम लोगों को ये डिस्कस करना है कि आफ्टर प्लांटेशन, मतलब बुआई के बाद, किस तरह से ग्लैडुलस का केयर और मैनेजमेंट किया जाता है। मीन्स कौन कौन सी इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस है जो हमें प्लांटिंग के बाद जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए। तो इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस की हम लोग सभी में, हम सभी क्रॉप्स में हम लोगों ने देखा कि दो तरह की इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है, एक जनरल और दूसरी स्पेसिफिक। जनरल इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस में इरिगेशन, वीडिंग और न्यूट्रिशन, मतलब कि मैन्योर फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन। साथ ही क्रॉप वाइज जो स्पेसिफिक जो इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं वो अलग होती हैं। तो चलिए देखते हैं ग्लैडुलस में कौन कौन से इंटरकल्चरल ऑपरेशन जो है वो करने पड़ते हैं। फर्स्ट है इरिगेशन। ग्लैडुलस एक बल्बस क्रॉप है। जितनी भी बल्बस क्रॉप होती हैं, बल्बस का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी क्रॉप या प्लांट जिसमें एक अंडरग्राउंड मॉडिफाइड जो है फूड स्टोरिंग ऑर्गेन पाया जाए, चाहे वो रूट हो चाहे वो स्टेम हो, तो ऐसे पौधों को हम बल्बस क्रॉप की कैटेगरी में रखते हैं। तो ग्लैडुलस भी एक बल्बस क्रॉप है, और बल्बस क्रॉप सिर्फ ग्लैडुलस नहीं, जितनी भी बल्बस क्रॉप हैं उनके साथ ये जो है कंडीशन होती है कि उनको आप ओवर इरिगेशन कंडीशन में आप नहीं रख सकते। मींस वाटर लॉट कंडीशन को टॉलरेट नहीं कर पाते, क्योंकि एकदम वाटर लॉट कंडीशन हो जाएगी तो जो उनका अंडरग्राउंड मॉडिफाइड पोर्शन है, जैसे कॉर्म हो सकता है, बल्ब है या ट्यूबर है या राइजोम है, कोई भी हो, वो सड़ने लगता है, वो उसमें रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सॉइल में जो है एरेशन या पोरोसिटी नहीं रह जाती है। तो इसीलिए उसी तरह से ग्लैडुलस को भी वाटर लॉट कंडीशन नहीं चाहिए। ग्लैडुलस को सॉइल में मॉइस्चर रहे, पर मॉइस्चर के साथ साथ सॉइल स्पेसेस जो हैं उसमें एरेशन भी कॉन्टिन्यूस बना रहना चाहिए। तो ग्लैडुलस में जो इरिगेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करता है कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है, सैंडी है, क्लेई है, और साथ ही साथ वेदर कंडीशन कैसी है। तो अगर सॉइल टेक्सचर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सैंडी सॉइल में आपको 7 से 10 दिन के इंटरवल पे इरिगेशन करना है, क्योंकि सैंडी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम होती है, तो आपको लेस अमाउंट में इरिगेशन फ्रीक्वेंटली करना होगा, जल्दी जल्दी पर थोड़ा थोड़ा इरिगेशन करना होता है। साथ ही साथ जो हैवी सॉइल होती है जिसमें क्लेई, मतलब क्ले का कॉन्टेंट ज़्यादा होता है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी होती है, तो उसमें आप 15 to 14 days के इंटरवल पर भी इरिगेशन कर सकते हैं। तो उसमें जो है लेस फ्रीक्वेंट इरिगेशन करना पड़ता है। और वेदर कंडीशन मीन्स अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है तो हम जो है फ्रीक्वेंटली इरिगेट करेंगे, और अगर रेनी सीजन है तो हम इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे। और इरिगेशन जब फ्लावरिंग पीरियड ओवर हो जाता है ग्लैडुलस का, तो मीन्स जब सारे के सारे प्लांट से फ्लावर हार्वेस्ट हो जाते हैं, मीन्स स्पाइक हार्वेस्ट हो जाती है, तो हम जब कॉर्म के लिए जो है कॉर्म की ग्रोथ प्रॉपर होने के लिए जो हम इरिगेशन करते हैं, तो वो हमें इरिगेशन जो है रोक देनी चाहिए 4 से 6 हफ्ते पहले कॉर्म को हार्वेस्ट करने, मतलब मीन्स फ्लावरिंग के ओवर होने के बाद, फ्लावरिंग ओवर होने के 2 महीने बाद लगभग कॉर्म जो है हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होते हैं। तो उस हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड से 4 से 6 हफ्ते पहले हमें जो है इरिगेशन, एक तरह से देखा जाए तो हार्वेस्टिंग के बाद एक इरिगेशन देके हमें जो है बाकी इरिगेशन नहीं करना होता है जब तक कि हम कॉर्म को हार्वेस्ट ना कर लें। तो इस तरह से इरिगेशन जो है हम वो सेट करते हैं ग्लैडुलस में। दूसरी इंटरकल्चरल प्रैक्टिस है अर्दिंग अप। अर्दिंग अप का मतलब होता है कि जो है मिट्टी चढ़ाना, है ना। ग्लैडुलस के जो कॉर्म हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, तो जैसे जैसे मदर कॉर्म से प्लांट स्प्राउट होता है, जैसे जैसे प्लांट स्प्राउट होता है वो ग्रो करता है फोटोसिंथेसिस, तो वैसे वैसे अंडरग्राउंड पोर्शन में डॉटर कॉर्म, जो नई कॉर्म है वो जो है अंडरग्राउंड, वो जो है डेवलप होने लगती हैं, और वो डेवलप होकर ज़मीन की सतह के ऊपर आने लगती हैं, तो वो जो है हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं कि उन डॉटर कॉर्म्स को प्रॉपर तौर पर डेवलप होने के लिए हम जो है हमें रेगुलरली जो है
अर्थिंग अप जो है वो करना पड़ता है। जैसे एकदम हम लोग पोटैटो कल्टीवेशन में देखते हैं मिट्टी चढ़ाना, वैसे ही ये भी अंडरग्राउंड जो है मॉडिफाइड बल्बस प्लांट है, तो इसके भी प्रॉपर कॉर्म के डेवलप करने के लिए हमें अर्थिंग अप करना पड़ता है। तो ग्लैडियोलस में जो अर्थिंग अप किया जाता है वो जो बहुत ज़रूरी होता है कॉर्म प्लांटेशन के 2 महीने बाद, है ना, फ्लावरिंग से पहले और प्लांटेशन के 2 महीने बाद। तो इससे कई फ़ायदे होते हैं, एक तो क्रॉम तो बेहतर डेवलप होता ही होता है, साथ ही पौधा जो अगर बाई चांस हवा की, क्योंकि अगर आप आउटडोर कंडीशन में ग्लैडियोलस कल्टीवेशन कर रहे हैं तो तेज़ हवा की वजह से कभी कभी पौधा जो है लॉज कर जाता है, गिर जाता है ना, तो वो जो पौधा है उसको इरेक्ट पोजिशन में रखने के लिए भी हमें जो है अर्थिंग अप से बहुत मदद मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरकल्चर प्रैक्टिसेस है स्टेकिंग। स्टेकिंग मतलब किसी तरह के सपोर्ट देना। तो जैसे मैंने अभी बताया कि पौधा जो है जनरली तेज़ हवा से या बहुत ज़्यादा या सिंचाई के जस्ट बाद जो है कभी कभी गिर जाता है, तो पौधे को इरेक्ट रखने के लिए, इरेक्ट ग्रो करने के लिए जो है हमें जो है सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम किसी भी वुडन मटेरियल से पौधे के आसपास उसको मतलब किसी भी वुडन मतलब कोई लक जो है स्टिक्स की मदद से हम पौधे के आसपास जो है लगा करके उसको टाई कर देते हैं, अच्छे से टाई अप बांध देते हैं, जिससे कि पौधा इरेक्ट पोजीशन में रहे और जो उस पर स्पाइक्स हों वो एकदम स्ट्रेट हो, क्योंकि स्पाइक्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं उनका स्ट्रेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ उनकी जो मार्केटिंग वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो ये आप इमेज में देख सकते हैं अर्थिंग अप की एक्टिविटी है जो ग्लैडियोलस में जो है आफ्टर 2 मंथ प्लांटेशन के 2 महीने बाद जो है उसके कॉर्म प्रॉपर डेवलप हो और जो पौधा हो वो इरेक्ट पोजीशन पे बना रहे, इसलिए जो है हम 2 महीने बाद जो है उस जो है पौधों पर मिट्टी चढ़ाते हैं, मीन्स अर्थिंग अप का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इसी अर्थिंग अप के दौरान साथ साथ हम जो है वीडिंग भी करते चलते हैं, मैन्युअली वीडिंग भी हो जाती है, हमें किसी तरह के केमिकल वीडिसाइड या हर्बिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर एरिया बहुत ज़्यादा है मैनुअल वीडिंग पॉसिबल नहीं है, या प्लांटिंग या वीड की प्रॉब्लम जहाँ पर आप जिस फील्ड में कल्टीवेशन करने जा रहे हैं वहाँ वीड की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो प्लांटेशन से पहले ही आप हर्बिसाइड और वीडिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रो इमर्जेंस हर्बिसाइड के तौर पे डायोरॉन या लाइनोरॉन को अप्लाई कर सकते हैं, और पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड के तौर पर 2,4-D 1.5 से 3 kg पर हेक्टेयर की रेट से जो है वो अप्लाई करेंगे, तो हमारी जो वीड की पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी और प्लांटेशन के बाद वीडिंग मतलब हमारी वीड की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना होगा। अदरवाइज़ हम मैनुअल वीडिंग आफ्टर प्लांटेशन भी प्रिफर कर सकते हैं अर्थिंग अप के दौरान। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट यानी मैन्योर फर्टिलाइज़र की जो रिक्वायरमेंट है वो है फील्ड प्रिपरेशन के दौरान 20-25 टन FYM, डिपेंडिंग अपॉन दी सॉइल टेक्सचर के बेस पर हम FYM अप्लाई करते हैं। और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे NPK की जो रिक्वायरमेंट होती है, तो NPK का हमें 120 kg नाइट्रोजन, 150 kg फॉस्फोरस और 150 kg पोटाश हमें पर हेक्टेयर की रेट से हम अप्लाई करते हैं, जिसमें से 60 kg नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और पोटाश यानी 150-150 kg फॉस्फोरस और पोटाश की पूरी डोज हम फील्ड प्रिपरेशन के दौरान ही हम अप्लाई कर देंगे, और बाकी बची जो नाइट्रोजन की जो अमाउंट है मतलब फर्दर जो 60 kg जो लेफ्ट रह गया है उसमें से 30 जो है kg नाइट्रोजन को हम प्लांटिंग के 30 दिन बाद, 1 महीने बाद और फिर 2 महीने बाद हम अप्लाई करेंगे। मींस ओवरऑल नाइट्रोजन को 3 split doses में 3 बार में हम नाइट्रोजन को थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करेंगे है ना। तो इस तरह से हम जो है नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करते हैं, जिसमें से 60 kg फील्ड प्रिपरेशन के दौरान और बाकी 30-30 kg को स्प्लिट डोजेज में। उसके बाद है फ्लोराइड और फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र को लेकर के ग्लैडियोलस जो है ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो हमारा जो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन है उसमें फ्लोराइड और फॉस्फेट का कंटेंट मतलब फॉस्फेटिक और फ्लोराइड जो है फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ ग्लैडियोलस के जो कॉर्म है उसकी लीफ है उसमें फ्लोराइड की टॉक्सिसिटी हो जाती है ना। और
जो है सॉइल का पीएच बेहतर रहे और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्रॉप की ज़्यादा अच्छी हो, तो ऊपर से हम मतलब आफ्टर प्लांटेशन हम कैल्शियम नाइट्रेट का भी एप्लीकेशन 200 to 300 केजी पर हेक्टेयर की रेट से अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस ग्लैडियोलस में। अब स्टेज अब वक्त आता है हार्वेस्टिंग का, मींस ग्लैडियोलस की जो स्पाइक्स हैं वो हार्वेस्टिंग के लिए कब रेडी होती हैं। तो ग्लैडियोलस की जो स्पाइक्स हैं वो 60 to 90 डेज के बाद जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए वो जो है रेडी हो जाती हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी कल्टीवर। कुछ कल्टीवर अर्ली फ्लावरिंग होते हैं, कुछ लेट फ्लावरिंग होते हैं, तो उस बेस पे दिख रहा है तो ऑन एन एवरेज 60 to 90 डेज पे स्पाइक्स हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती हैं। तो अगर हमें स्पाइक्स को इस एक्सपोर्ट करना है, मीन्स फॉरेन में एक्सपोर्ट करना है या दूर की बाज़ार में तक हमें जो है ट्रांसपोर्ट करना है, तो हम जो ग्लैडुलस की जो स्पाइक्स हैं उनको टाइट बड स्टेज में हार्वेस्ट करेंगे। टाइट बड स्टेज का मतलब कि जब नीचे की में नीचे की जो फ्लोरेट्स हैं उनमें एक या दो फ्लोरेट्स में कलर फ्लावर का कलर शो की जो बड्स स्पाइक्स हैं वो टाइट बड स्टेज में हो। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस इमेज में आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वाली इमेज में जिसमें वाइट फ्लावर का ग्लैडुलस ये स्पाइक देखिए, तो इसमें देखिए नीचे की दो फ्लोरेट्स में कलर्स थोड़ी सी ओपन हल्की सी और बाकी ऊपर की जितनी भी फ्लोरेट्स हैं बड स्टेज में। तो इस स्टेज पर हम इस ये जब हमें एक्सपोर्ट करना होता है ग्लैडियोलस का या हमें लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट करना होता है तो हम इस स्टेज में जो है ग्लैडियोलस को हार्वेस्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर हमें लोकल मार्केट के लिए अगर हमें ग्लैडियोलस को जो है हार्वेस्ट करना है तो लोकल मार्केट के लिए जब आप सेकेंड वाली इमेज में देखिए कि नीचे की जो दो फ्लोरेट्स हैं वो पूरी तरह से फुली ओपन हो जाएं, नीचे के जो दो फ्लोरेट्स हैं पूरी स्पाइक में वो जब पूरी तरह से ओपन हो जाएं तब हम जो है लोकल मार्केट में जो है सेल आउट करने के लिए स्पाइक्स को हार्वेस्ट करेंगे। तो ये आप इमेज में देख सकते हैं कि किस स्टेज पर हमें ग्लैडियोलस की स्पाइक्स को हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्टिंग का जो टाइम होगा वो मॉर्निंग आवर होगा या ये हर क्रॉप में हम लोगों ने देखा है सभी क्रॉप्स में मॉर्निंग या इवनिंग आवर्स को हम प्रीफर करते हैं। हार्वेस्टिंग के दौरान जो हम स्पाइक हार्वेस्ट करते हैं तो हमें पूरा बेस से नहीं करना है, हमें इस तरह से स्पाइस को हार्वेस्ट करना है कि पौधे पांच पत्तियां जो होंगी उनसे जो है जो कॉर्म है जमीन के अंदर जो ग्लैडुलस के कॉर्म है अभी उनका डेवलपमेंट बाकी है, तो इसलिए पौधे पर 4 to 5 पत्ती हम छोड़ देते हैं ताकि उन पत्तियों में फोटोसिंथेसिस हो और जो अंडरग्राउंड जो कॉर्म है वो बेहतर तरीके से वो डेवलप कर जाए। ठीक है, तो इसलिए 4 to 5 पत्ती हम जो है लोअर पोर्शन की वो छोड़ देते हैं। स्पाइक्स को जो हम हार्वेस्ट करते हैं वो किसी नाइफ या सिकेटियर की मदद से करते हैं। ठीक है, ग्लैडुलस की जो स्पाइक उसकी जो वाज लाइफ होती है मतलब उसकी जो नॉर्मल अगर आप उसे पानी में रख करके कुछ दिन तक अगर फूलदान में रखना चाहें तो 7 to 15 दिन तक आप रख सकते हैं, है ना। तो द स्टेज एट विच स्पाइक इज टू बी कट शुड बी डिपेंड ऑन द ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस, कंज्यूमर रिक्वायरमेंट, प्रिवेलिंग टेम्परेचर कंडीशन। तो ये वही है कि जो स्पाइक्स की हार्वेस्टिंग स्टेज डिपेंड करती है कि कितनी दूरी पर आपको कंज्यूमर की क्या रिक्वायरमेंट है और टेम्परेचर कैसा है या क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी, ये सारी चीज़ों पे निर्भर करती है। तो ये जनरली जो है हार्वेस्टिंग स्टेज है ग्लैडुलस की। अब ग्लैडुलस की जब स्पाइक हार्वेस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद हम जो ग्लैडुलस के जो कॉर्म है जो अंडरग्राउंड जो कॉर्म डॉटर कॉर्म जो डेवलप हो रही हैं जिनको कि हमें प्लांटिंग मटेरियल के तौर पर नेक्स्ट ईयर जिनको हम फिर यूज़ करते हैं या कर सकते हैं, उस कॉर्म को हार्वेस्टिंग की जो टाइम है वो कब आता है, वो आता है जब फ्लावर हार्वेस्टिंग का पीरियड ओवर हो जाता है तो उसके 2 महीने बाद, है ना, 1.5 to 2 महीने बाद आपके जो कॉर्म है ज़मीन के अंदर जो वो भी हार्वेस्टिंग के लिए जो है वो रेडी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब फ्लावर की हार्वेस्टिंग आप करते हैं तो उसके बाद एक बार इरिगेशन करके फिर आप इरिगेशन जो है फील्ड में नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि जो कॉर्म है जो है अंडरग्राउंड वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है और हार्डी हो जाता है ताकि वो डोरमेंट कंडीशन में वो एंटर एंड जो है डोरमेंट हो जाए जिससे कि वो नेक्स्ट ईयर प्लांटिंग
के लिए उसको हटाते हैं, मीन्स कॉर्म कॉर्म को जमीन से हम 3 हफ्ते पहले हम इरिगेशन तो रोक ही देते हैं, और फिर मैनुअली हम गार्डन फॉर्क या खुरपे की मदद से सावधानी पूर्वक कि किस फॉर्म में कॉर्म को डज ना कर पाए, तो हम उसको सावधानी पूर्वक जो है खुरपे की मदद से कॉर्म को निकाल लेते हैं। कॉर्म को निकालने के बाद उसके ऊपर लगी हुई मिट्टी है को अच्छे से साफ करते हैं, है ना, और ऊपर का जो लीफी पोर्शन है मीन्स प्लांट का जो पोर्शन कॉर्म पर अटैच है उसको कट करते हैं, उसको घुमा देते हैं। आप हल्का सा ट्विस्ट करेंगे तो वो अपने आप प्लांट जो है कॉर्म से अलग हो जाएगा, है ना। साथ ही साथ मदर कॉर्म, जो जो कॉर्म आपने प्लांट किया था प्लांटेशन के दौरान, आप देखेंगे कि वो उसका भी कुछ रिमेनिंग पार्ट डॉटर कॉर्म के साथ अटैच रहता है बेस पर, तो उस मदर कॉर्म को भी आप उसी समय हटा देंगे, क्योंकि आपके पास जो डॉटर कॉर्म है, जो नई कॉर्म डेवलप हुई है, आपको सिर्फ उसे रखना है ना। तो मदर कॉर्म जो पुरानी जो सूख चुकी है, विल्ट हो चुकी, विदर हो चुकी है मदर कॉर्म, उसको रिमूव कर देना है ना। और साथ ही साथ कॉर्म पर के साइड्स में छोटे छोटे कॉर्मेल्स भी हैं, हमने लोगों ने इमेज में देखा था, फर्स्ट वीडियो में हमने दिखाया था, सेकंड वीडियो में सॉरी, कि होते हैं, तो कॉर्म के ही जो है बेसल पोर्शन पर बहुत छोटे छोटे से 50 to 60 स्मॉल साइज के कॉर्मेल्स अटैच हैं, और इस तरह से फिर कॉर्म हमारा स्टोरेज करने के लिए वो रेडी हो जाता है। अब स्टोरेज जो है करने से पहले क्या करेंगे, जो कॉर्म है हमारा, जो हमने डॉटर कॉर्म जो हमने हार्वेस्ट किया है, उसको स्टोर करने से पहले उसको 30 मिनट के लिए फंजीसाइड से ट्रीट करा देंगे, जैसे कैप्टन मतलब लिक्विड सॉरी जो है क्या बोलते हैं, हाँ लिक्विड फंजीसाइड का सॉल्यूशन भी हम यूज़ कर सकते हैं, और हम पाउडर फंजीसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स हमें फंजीसाइड से ट्रीट करके ही कॉर्म को रखना है, ताकि स्टोरेज में किसी भी तरह का फंगल अटैक ना होने पाए, है ना। तो जैसे 0.3% का कैप्टन का सॉल्यूशन बना के उसमें कॉर्म को हम 30 आधे घंटे के लिए डिप कर देंगे, है ना। फिर उसको छाए में उसको सुखा लेंगे, शेड ड्राई कर लेंगे, और फिर उसको जो है हम स्टोरेज में रख सकते हैं, ठीक है। फिर जब हम कॉर्म को फंजीसाइड से अच्छी तरह ट्रीट कर लेते हैं, तो फिर हम उनको क्रेट्स में या नेट बैग में या जूट के बैग में या नायलॉन के बैग में हम उसको जो है स्टोर करते हैं, और फिर कोल्ड स्टोर में हम 3 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसे जो है वो रख देते हैं। फिर कोल्ड स्टोर से जो है इन कॉर्म को फिर हम अगले साल नेक्स्ट ईयर हम जो है प्लांटिंग के लिए हम निकाल सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर जैसे हमें अक्टूबर में प्लांटिंग करनी है, तो हम सितंबर में ही 1 महीना पहले ही हम कोल्ड स्टोर से कॉर्म को निकाल करके किसी छाया वाले स्थान पर रखते हैं, ताकि उनकी डोरमेंसी जो है वो ब्रेक हो जाए। करने जब डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है, तो फिर हम वो कॉर्म हमारे कॉर्म हर साल प्लांटिंग मटेरियल जो है हमें हर साल मिलता जाता है, और इनकी संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि एक जैसे आपने एक प्लांटिंग मटेरियल हमारे पास आएंगे। जनरली कॉर्म को स्टोरेज का जो पर्पस है वो क्या है, 7 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में हम कॉर्म को जो लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, उसका फायदा क्या होता है कि इससे कॉर्म की डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है अगले साल हम, क्योंकि कॉर्म को चिलिंग ट्रीटमेंट दे देते हैं। साथ ही साथ कॉर्म जो समर मंथ्स में है वो उसमें हम जो है जो कॉर्म है हमारा, है ना, वो सबसिक्वेंट सीजन में जब हम प्लांटिंग करते हैं, तो जो समर मंथ की जो वार्म या ड्राई कंडीशन है उसको वो कॉर्म जो है वो इजिली उस टाइम पीरियड को वो ओवरकम कर लेता है ना। इसलिए जो है कोल्ड स्टोर में, अगर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी आप कॉर्म को रख सकते हैं, वो भी आपको नेक्स्ट ईयर प्लांटिंग देगा, लेकिन फिर जो है कोल्ड स्टोर में करने से उन जो कॉर्म है उनकी डोरमेंसी और उनकी स्प्राउटिंग परसेंटेज वो जो है बेहतर होता है, ज़्यादा होता है। साथ ही साथ कॉर्म की जो है डैमेज किसी तरह का या किसी तरह की स्टोरेज में जो है डिग्रेडेशन, ये सब सारी चीज़ें नहीं होने पाती, तो ये सारी चीज़ें जो है
हमें स्टोरेज से फ़ायदा होती है। कभी कभी होता है कि प्री मैच्योर स्प्राउटिंग होने लगती है, मतलब अगर आप नॉर्मल जो है रूम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं तो प्री मैच्योर स्प्राउटिंग होने लगती है, मीन्स समय से पहले ही स्प्राउट करने लगते हैं, तो उस चीज़ को भी रोकने के लिए हम कोल्ड स्टोर में कॉर्म को रख देते हैं। नेक्स्ट है फ्लावर फोर्सिंग। फ्लावर फोर्सिंग हम लोग सभी क्रॉप में पढ़ रहे हैं। फ्लावर फोर्सिंग का मतलब कि कैसे हम एक पर्टिकुलर टाइम पर फ्लावर्स की अवेलेबिलिटी को कैसे हम जो है कैसे फिक्स कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर फ्लावर्स हमारे रेडी हो जाएं, है ना। तो बहुत फ्लावर्स की ज़रूरत ओकेजन्स के अकॉर्डिंग होती है, तो जो भी ओकेजन हो उसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि हमारा फ्लावर जो है उस ओकेजन पर के दौरान जो है वो रेडी हो जाए। तो उसी तरह ग्लैडियोलस की भी ओकेजन के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, है ना। तो वैसे अलग अलग रीजन, जैसे साउथ में है तो वहाँ तो ईयर राउंड ग्लैडियोलस का कल्टीवेशन होता है, तो वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, आप ईयर राउंड ग्लैडियोलस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी जहाँ पर कूल क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा जहाँ ठंड पड़ रही है, तो वहाँ पर आप ग्लैडियोलस में कैसे जो है प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, तो थोड़ा सा वार्म ट्रीटमेंट दे दें या हीट ट्रीटमेंट दे दें, 27 टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर कॉर्म को एक्सपोज करा दे, तो फिर उसके बाद आप उस कॉर्म को प्लांट करते हैं तो उस कॉर्म से जो फ्लावर होता है वो अर्ली फ्लावरिंग हो जाती है, है ना। मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा कूल पीरियड रहेगा तो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगी, थोड़ा सा जो है फ्लावरिंग स्टेज में जाने के लिए जो है हमारे जो कॉर्म है फ्लावरिंग स्टेज में एंटर करने के लिए थोड़ा टेम्परेचर रेज अप होना चाहिए, तो हम जो है हम अपने कॉर्म को प्लांटेशन से पहले प्री हीट ट्रीटमेंट कराते हैं तो फ्लावरिंग हमको अर्ली मिल जाती है। तो इस तरह से हम फ्लावरिंग टाइम को थोड़ा पहले एडजस्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर वार्म क्लाइमेट है, कूल क्लाइमेट नहीं है, वार्म क्लाइमेट है, तो हम कॉर्म को जो है जिब्रेलिक एसिड के सॉल्यूशन में डिप करके तब प्लांट करते हैं। तो इससे क्या होता है, जिब्रेलिक एसिड के सॉल्यूशन में हम जब डिप करके प्लांट करते हैं तो इससे भी फ्लावरिंग जो है वो एक्सीलरेट करती है। तो ये सारी इस तरह से जो है हम कुछ केमिकल और ग्रोथ रेगुलेटर का ट्रीटमेंट करके हम जो है कॉर्म को, मतलब फिजिकल या ग्रोथ रेगुलेटर का ट्रीटमेंट करके हम कॉर्म को जो है इनका फ्लावरिंग टाइम जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं ग्लैडियोलस का। जो नॉर्मल एक फ्लावरिंग टाइम होता है जैसे जो है दिसंबर जनवरी फरवरी, है ना, तो वो तो उस टाइम पे तो फ्लावर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर इनके इनसे थोड़ा लंबा टाइम एक्सटेंड करना है तो हम इन जो है प्रैक्टिसेस को जो है वो अडॉप्ट करते हैं ताकि जो है हमें फ्लावरिंग जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान हमें मिलती रहे ग्लैडुलस में। तो ये ग्लैडुलस में जो है इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस थी और फ्लावर फोर्सिंग प्रैक्टिस थी। उसके बाद ग्लैडुलस का पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी पुराने जो ग्लैडुलस के दो वीडियोस हैं वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहाँ लिंक से जो है डायरेक्ट जो है वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और ये पूरा ग्लैडुलस के कल्टीवेशन को आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा, कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।